ओके जनाब, तो अब जो है वो मतलब ये आज इसके बाद से जो वीडियो जाएंगी वो पार्टली आपको मिलेंगी। हर हिस्से का गोश्त जो है वो सेपरेटली आपको बताया जाएगा कि कौन सा हिस्से का गोश्त है, उसकी सेपरेट वीडियो होगी। तो सबसे पहले हम जो है वो इसके सेंटर से खोल रहे हैं इसको, हसन भाई ये मतलब पुट और राने अलग-अलग करेंगे, ये अलग अलग करना, ये पुट अलग हो गई, रान अलग हो गई। अच्छा ये भारी वाला है, ये भारी वाला ठीक है। अच्छा वो आपकी जो बकरा खोलने की वीडियो थी उसको भी माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, वो देखा है ना, काफ़ी पसंद किया गया उसको भी। हाँ वो बना बड़ा अच्छा था, उसका व्यू भी बड़ा अच्छा आया था, लेकिन वो समटाइम्स वो बीच में से है ना थोड़ा मिस हो जाती है। अच्छा ये इसको साथ ही खोलते हैं गर्दन के, इसको अलग खोलिएगा। हाँ इसको अलग खोलिएगा, इसको अलग करके ना पार्ट साइड पर कर दें, इसके पल्ले शले साइड पर कर दें, ये बाद में कर लेंगे। ये गर्दन अलग गई, ये है सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़। अच्छा ये बताइए कि जब ये रीढ़ की हड्डी से हराम मगज़ निकालना होता है, ये पहले हमने अलग कर लेना है इसको, इसको हाँ ये गोश्त अलग कर लें टक लगा के, हाँ ठीक है। और ये सेंटर से कट देगा, फोन पकड़िएगा, ये जो है इसके ऊपर आपने आहिस्ता से टोके को छोड़ना है ना, ज़ोर नहीं मारना। कई लोग होते हैं, हाँ कई लोग होते हैं जो बड़ा रख के मारते हैं कि एक ही बार में जो है ना हमारा सीधा लग जाए और नीचे तक कट जाए, तो वो नुकसान होता है, है ना। हाँ अच्छा इसमें जो मैंने एक चीज़ देखी नोट की है उसमें यह है कि आपकी नीचे मुड्डी खुश्क होनी चाहिए और टोका आपका आराम से फेंकना चाहिए इस पर, फिर ये आपका सही काट देगा। और अगर मुड्डी नीचे से गीली है जिस तरह अभी ये हो चुकी है, ठीक है, ये इस तरह होगी तो आपका गोश्त नीचे से फिर जाएगा, नहीं फिरता नहीं है, मुड़ जाता है ना, वो मुड़ेगा तो टोका फिर जाएगा। नहीं वो कुछ ना। अच्छा ये सीना है, ठीक है, और हमने अभी तक जो है इसका सीना खोल लिया है, दस्तियाँ उतार ली हैं, रानें उतार ली हैं और सारा बकरा अलग अलग कर दिया। तो हम शुरू सीने से करेंगे बनाना, चलें जी। ओके जी, ये पहले आ गया जनाब सीना, सीने के ऊपर से आपने पल्ले उतार लेने आराम से। और ये एक झिल्ली है ना जो इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल हल्की सी ऊपर लगी होती नज़र ही नहीं आती, हाँ ये प्रोफेशनल ही है जो उतार सकता है इसको। और ये ऊपर वाला पल्ला भी जाया जाएगा, ये झिल्ली पहले आपने उतार दी, ये पल्ला जाया जाता है, पत्री या पत्री पत्री होती है, पत्री पत्री हल्की सी मतलब कुछ चीज़ है, ठीक हो गया। अच्छा ये खींच के निकाल देते हैं, बाज़ लोग जो पुराने हो कहते हैं नहीं जी गोश्त खींचना ही चाहिए, पेट च दर्द होती, ठीक हो गया जी। ये हमारा सीना आ गया, हाँ सीना सीना बना के आप लैदा रख देना। अच्छा ये चावलों के लिए जो है बड़ा मज़ेदार है, ये जी ये सीने के हमारी बोटियाँ निकल आई, ठीक है जी। इस वीडियो का टाइटल ये आ जाएगा, बकरे का सीना बनाने का तरीका है जी। ये सीना निकला है, अब ये दूसरा सीना मैं थोड़ा सा क्लोजअप दे दूँ इसको, ये मेरा कैमरा है। लो जी ये सीने की जो मेन हड्डियाँ होती हैं वो गई, और मेन जो चबाने वाली हड्डी है वो नीचे रहती है, ऐसे ही है जी, ये चबाने वाली हड्डी है, इसको बाज़ लोग बिस्किट भी कहते हैं, ऐसे ही है। ले जी सीना सीना प्रात में लगा दें उसमें ना,